All right, so here we are. We have reached in Dharwar, Hubli Central Constituency. Right behind me is the famous Rani Chennamma Circle. Rani Chennamma का स्टैचू वहाँ पे लगा हुआ है, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़कर उनको भगाया था. लेकिन हम यहाँ आए हैं ये जानने के लिए कि हुबली सेंट्रल से 6 बार MLA रह चुके एक्स चीफ मिनिस्टर जयदीप शेट्टार, जो कि अब कांग्रेस में स्विच कर गए हैं, क्या वो अपनी सीट को रिटेन कर पाएंगे या नहीं. हुबली सेंट्रल परहैप्स इज द मोस्ट डिस्कस्ड सीट कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में इस बार. वाई? बिकॉज जयदीप शेट्टार ने एक लंबे पॉलिटिकल करियर के बाद, जो कि बीजेपी के साथ रहा, उसके बाद अब उन्होंने कांग्रेस में स्विच कर लिया है. वाई? बिकॉज बीजेपी ने उनको यहाँ से सीट नहीं दिया. हम लोगों से बात करेंगे, जयदीप शेट्टार से भी बात करेंगे कि उनको क्या लगता है. इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या जयदीप शेट्टार का पर्सनल इमेज, क्या उनकी पर्सनल आइडेंटिटी, उनका पर्सोना बीजेपी के नेशनल परसेप्शन को ओवरपावर कर पाएगा या नहीं. क्या जयदीप शेट्टार कांग्रेस में आने के बाद भी हुबली सेंट्रल की सीट को रिटेन कर पाएंगे या नहीं. कम लेट्स फाइंड आउट. नमस्कार ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಇಷ್ಟ, ಬಿಜೆಪಿ ಇಷ್ಟ, ಜಯದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಾರ್ ಇಷ್ಟ? ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಒಳಗೆ. ಅಭಿ ತೋ ಅಂಬಾರ್ ಅಭಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೋ ಕರ್ನಕ್ಕೆ ಅಮರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೋ ವೋಟ್ ದೇಂಗೆ. ಹಾಂ, ಬಿಜೆಪಿ ಕೋ ಕ್ಯೂ ನಹೀಂ ದೇಂಗೆ ವೋಟ್? क्यों नहीं दे तो अभी तो फिलहाल रहने वाला तो थोड़ा काम कर रहे है, थोड़ा काम नहीं कर रहे है. उसके लिए अभी ये बार तो चेंज करेंगे. हाँ, 2 बार तो बीजेपी कर दिया है. अच्छा, इसलिए चेंज करेंगे. एक बार चेंज करके उनको भी एक मौका देंगे. हाँ, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे. बीजेपी को देंगे. बीजेपी को देंगे. जगदीश शेट्टा पसंद नहीं आपको? पसंद है, लेकिन फिर क्यों कांग्रेस में गए? हाँ, अच्छा, कांग्रेस में वो गए बीजेपी छोड़कर, सही किया गलत किया? बहुत ही गलत है सर. गलत किया कि गलत वो बोल रहे, क्योंकि हाँ, अगर हम बोलेंगे कि नई पीढ़ी को कुछ हम लोग मौका दे रहे हैं तो आप छोड़ के चले जाओगे क्या? हाँ, ऐसा तो नहीं तो वो बोले कि बीजेपी मेरे को सीट नहीं दिया तो मेरा रिस्पेक्ट कम क्यों देंगे सर. अभी आप काम कर रहे हो वो तो ठीक बात है, आप ही काम करोगे क्या? जितने दिन रहोगे आप ही करोगे. आपके पास जो अभी नए लड़के उनको काम का मौका नहीं दोगे? यंगस्टर्स को मौका दे रही है बीजेपी? बिल्कुल. तो आप लोग जगदीश शेट्टा को वोट नहीं दोगे इस बार? हम लोग तो बीजेपी को बीजेपी को वोट देंगे. आप किसको वोट दोगे? आप भी बीजेपी को वोट दोगे? बीजेपी को क्यों वोट दोगे आप लोग? किस लिए? सबसे अच्छा काम कर रहे हैं अभी बीजेपी फिलहाल में. हाँ, कांग्रेस तो अभी देखिए कांग्रेस का काम क्या क्या किया है फिलहाल में बीजेपी का. अच्छा, 5 साल में बीजेपी ने अच्छा काम किया है क्या? कांग्रेस वालों का एक तो ये भी निकला कि वो अगर हम जीत के आए तो हम बजरंग दल को बैन करेंगे. क्यों बैन करोगे? आपको पसंद है बजरंग दल? सर हम वहीं से है तो बैन क्यों? अच्छा, आप बजरंग दल से? हम हिंदू है तो बजरंग दल ही है ना सर. हाँ, बजरंग बली को मानते नहीं हो क्या आप सभी? हाँ हाँ, मानते. तो अभी बैन क्यों करना, उन्होंने क्या किया है? तो कांग्रेस ने बोला कि बजरंग दल के जो लोग हैं वो लोगों को मारते हैं, डराते हैं, ऐसा वायलेंस करते हैं. किसी ने न्यूज में देखा है ऐसा सब कुछ? आप अगर आज बहू बेटी सलामत है तो वही तो बाहर आए थे पहले, उससे पहले कौन आए थे? बैन क्यों करना है पहले ये तो बताओ. अभी तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं करेंगे बैन. अब पहले बताए क्यों बैन करना पॉलिटिक्स में? हाँ, बैन करने को ही देते भी नहीं. बैन करने ही नहीं देते? होता ही नहीं है, बैन होता भी नहीं है, इसीलिए बोल देते, लेकिन करने को किसी को भी नहीं होता. हाँ, पॉलिटिक्स में वो ये क्यों लाना, हिंदू मुस्लिम क्यों लाना? अभी काम के ऊपर आप लोग वोट दो. आप काम छोड़ो सर. हाँ, काम तो सब देख तो रहे, सब कर तो रहे. हाँ, बजरंग हम जीते तो बजरंग दल बैन करेंगे, ये सब क्यों बताना? आप डायरेक्ट जाओ, वोट मांगो, जीतो हारो आपकी मर्जी. चलिए, तो वी हैव स्पोकन टू द पीपल. यहाँ पे लोगों के अलग अलग मत हैं. लेट्स गो टू जयदीप शेट्टार जी, लेट्स स्पीक टू हिम कि वो क्या मानते हैं. All right, so I've got Mr. Shetta with me. I do agree he must be very tired, but he has been kind enough to speak to us. Sir, welcome to Mojo Story. Now to begin on a very lighter note, do you still have friends in BJP? Do you still have friends in BJP? I have friends earlier when I was a BJP. Yeah. I have so many friends in Congress, JDS, everybody. 100%. I mean, you have had a long political career, yeah, sir. Yeah, definitely. While we were waiting for you, as you were campaigning, I spoke to the people around nearby. They spoke to us about many issues. They spoke about the LPG, higher prices issues. What I could observe is, like now this election has more sort of become not as Jadeep Shetar versus BJP, but
BJP is now fighting on the name of Prime Minister Modi ji, as they always do. We have observed in various elections. Do you feel that now this election has become more about you versus the image of Prime Minister Narendra Modi, which BJP is carrying forward in this whole election across the state? I am not comparison with the higher peoples. Yes, of course. Higher people, central leaders. I am a small boy. Small boy. In politics. I mean, you're being modest, you're not a small boy. I have not comparison. I have no high to up to national president, national prime minister. I don't want to compare. I do agree. You're being modest, you're not a small boy. You've had a long political career. But I just wanted to ask, what do you feel that what this election is now about? What do you think that the people are actually looking forward to? Are they? Is there any anti-incumbency, do you feel? Because I could not find a lot of anti-incumbency in this particular area, if I be honest. Because last six elections, 94 se, continuously I'm electing. Yeah. With margin of 20,000 to 25,000 margin, you take the decision. How the people liked me, how the blessings are there. If anti-incumbency is there, margin is 2,000, 3,000, 5,000 plus or minus. But with a huge margin, every time I am getting elected. Because public heart-to-heart connection is there, Jagadish Shetty. And development-oriented politics, always. And a lot of development works I did in Hubli Dharwad, in my constituency. Yeah. So people like, sir. So they are, even before election, declaration, so many people from other corners, colleagues, they come, they honored me that you sit in the house, you did work lot of things. In 7 time, we'll elect you more than 50,000 leads. It is a people's verdict. People have been telling that you're going to win with a margin of 50,000 votes. Yes. All right, I'll say best of luck you for that. Sir, do you believe now, because you have switched to Congress and you have your own personal reasons for it, we respect that, but people have been allegedly saying that BJP wanted to give chance to some youngsters, like they didn't give you the ticket. BJP wanted to push forward some younger politicians. Do you believe that? Because you have been blaming BL Santosh. I agree, you have said that a lot of times. Young people, but they want. So many constituency are there. Okay. Why they were experimenting? It is a ready-made food. Public Dharwad Center. They are experimenting here only. Why try to in Kalgati? Newcomer has given the ticket, Kalgati. Why you experiment in the youngsters there? Why you have given ticket to 76 year old Tipparedi? Why you are not experienced in there? Why you experience Somanna in the Karjo 74, 73? Tipparaswamy in Molapukalamuru is 75. Why you are not experienced? Why you are experienced? I am just 67. Oh. What is experience? You experience where it is necessary. You give the youngsters. New constituency where BJP is not a powerful. So many in Mandya, Hassan, there are challenging seats are there. Why not given? So you believe like pushing the younger generation is not the particular reason? Yes. Like not giving you a ticket for this particular constituency. There are some other reasons. I'll not go into that. I'll conclude the interview. I'll have a short interview. I'll ask you a very last question. Again, I'll come to the same point because I have been speaking to the people from the very morning. What I could observe is that people are not voting to the candidate, BJP candidate Mahesh is standing from BJP. They are not much aware about what Mahesh is capable of, but he has done good or not. But BJP's national perception comes into the play here only. People are like a bit of modified who are voting for BJP. So that's why I asked you the first question. This election seems to be like it has become more of you versus BJP's national perception now because you are left BJP. So I think all assembly elections will be fought on local leadership, local state leadership, and local issues, not on parliament. Parliament election definitely fought on national issues. Why make it the national issues here in state issues? No, but do you agree that BJP is trying to fight this election on their national perception? They may project it like that. Yeah. But public mind, it is in the public mind, it is not there. They want local leadership, local issues, and who are the capable for the governing state government, not Delhi government. People are thinking like that only. And that is why you believe that you are going to win again the 100%, like, 7th time. 110%, 200%. Alright, so thank you so much, sir. Congratulations. Best of luck. Thank you.
जगदीश शेट्टर को वोट नहीं देंगे आप? बिल्कुल नहीं। क्यों? पहले जगदीश शेट्टर भी तो बीजेपी में ही थे। पहले थे बीजेपी, इसलिए तो दे रहे थे। बीजेपी छोड़ गया तो खत्म। अच्छा, आपको जगदीश शेट्टर पसंद नहीं है, बीजेपी पसंद है? जगदीश शेट्टर बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों पसंद? अच्छा, उन्होंने ठीक किया कि गलत किया जाके? ये गलत किया अभी कांग्रेस में जाके। उससे पहले तो ठीक था। बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया? नहीं, किया है, फिर भी हमको कांग्रेस पसंद है। फिर भी आपको कांग्रेस? कांग्रेस को डालेंगे वोट आप? हाँ, वो कांग्रेस को डालेंगे। आप किसको वोट डालेंगे? कांग्रेस को डालूंगा, सबसे पहले वोट कांग्रेस को पड़ेगा। अब ये जयदीप शेट्टर भी कांग्रेस में आ गए हैं बीजेपी से, कांग्रेस को डालेंगे। वैसे आप लोग कांग्रेस को वोट डालोगे? बीजेपी काम नहीं करते। बीजेपी काम नहीं किया? अच्छा, बीजेपी का नहीं किया। आप लोग किसको डालेंगे आप बताइए? हाँ, आप ऐसे देख रहे पीछे से, किसको वोट डालेंगे? बीजेपी को डालेंगे कि कांग्रेस को डालेंगे, शेट्टर को डालेंगे? हम देखो जो कैंडिडेट अच्छा है उसको डालेंगे। अरे ये तो बात डिप्लोमेटिक हो गया। किसको डालोगे, कांग्रेस को कि बीजेपी को? अच्छा बताओ। हमारा बात तो सही है, लेकिन हम जो कैंडिडेट अच्छा रहेगा उसको डालेंगे। हम बोलते नहीं, हम किसको बोलते नहीं कि इसको ही डालना करके। नहीं, इसको ही डालना करके बोलते नहीं, जाके डाल के आते हैं। तो दिस इज द ग्राउंड रिपोर्ट फ्रॉम हुबली सेंट्रल। हमने लोगों से बात की, अलग अलग तरीके के रिएक्शन आए लोगों की तरफ से। जो एक चीज बड़ी टेक अवे थी वो ये थी कि कांग्रेस को लोग एज एन ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं। वाई? बिकॉज वो बीजेपी से नाराज बहुत ज्यादा भी नहीं है, और खासतौर पर जो रीजनल होल्ड है बीजेपी का उसको लेके बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लेकिन जैसा आपने सुना, लोगों ने बताया कि अब एक ऑप्शन चेंज करके देखना चाहते हैं, और बीजेपी को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो बीजेपी के नेशनल परसेप्शन पे ज़्यादातर वोट करते हुए नजर आए। एटलीस्ट जिन लोगों से हमने बात की उनका तो यही कहना था कि मोदी जी के नाम पर हम लोग वोट देंगे। हालांकि जो बीजेपी के लोकल कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ से अच्छे हैं नहीं है, इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। जयदीप शेट्टर से भी हमने बात की, उनका कहना था कि मेरे रीजनल इमेज पे, मेरे इंडिविजुअल इमेज पे वोटिंग होगी और मैं फिर से जीत के आऊँगा। वो उनका मत है, हमारा काम था आपको रिपोर्ट दिखाना। अब कौन जीतता है कौन नहीं जीतता ये 13 तारीख को पता चलेगा। मैं आपके साथ जुड़ूंगा एक और किसी रिपोर्ट में, कर्नाटका असेंबली इलेक्शन की इस खास कवरेज में। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ हर्षित शर्मा, मोजो स्टोरी। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.